किसान भाइयों, किसान हेल्पलाइन से मैं गौरीशंकर पाटीदार। आज हम पहुंचे हैं दमनार एक फार्मर्स के यहाँ पर, जिन्होंने हमसे बायो एनपीके लिया था स्टार्टिंग में, जब उन्होंने ऊटी की लहसुन लगाई थी अपने। आज ये लहसुन जो आप मेरे आसपास देख पा रहे होंगे, ये 100 दिन के समथिंग की लहसुन हो चुकी है। और किसान ने जब भी इसको पानी दिया है तब उन्होंने बायो एनपीके इसमें यूज़ किया है। इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ खाद नहीं दिया है। भूमि सुधारक में हमारे द्वारा सजेस्ट किया हुआ एक नर्मदा गोल्ड दिया था स्टार्टिंग में, उसके बाद में हर मतलब अभी चौथी सिंचाई उन्होंने कर दी है स्प्रिंकलर के माध्यम से, और बाकी डायरेक्टली भी पानी देते हैं। एक बार इन्होंने डायरेक्टली पानी दिया, बाकी स्प्रिंकलर से ही पिला रहे हैं इसको। चार बार हो गया है, चार बार में जब इन्होंने सिंचाई करी थी तब इन्होंने बायो एनपीके ही यूज़ किया था। आइए किसान के जुबानी जानते हैं उन्होंने कैसे क्या यूज़ किया, कैसे क्या उनको रिजल्ट मिला उसके बारे में। नमस्कार जी, अपना शुभ नाम बताइए। महेश जी धाकड़ गांव दमनार से। आपने ये जब लहसुन लगाई थी तब आपने कौन कौन सा खाद इसमें यूज़ किया था आपने? सर, हमने एक तो ये राकोड़े डाला था और अब एनपीके डाला था। राकोड़िया और एनपीके डाला था जी। उसके बाद में जब आपने दूसरी सिंचाई करी थी तब भी सिंचाई में आपने एनपीके डाला? दूसरी सिंचाई में भी एनपीके डाला। तो आपको क्या रिजल्ट मिला? हर बार हर साल जो आप केमिकल वाले खाद या दूसरे खाद जो आप यूज़ करते थे उसके अलावा आपने इस बार बायो एनपीके यूज़ किया था, तो इसमें आपको चेंजेस क्या दिखा है और आपके लहसुन में ग्रोथ कैसा क्या है? ग्रोथ भी अच्छा है और पौधे भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, कंद के साइज कैसी है? कंडीशन भी बहुत अच्छी बनने शुरू हो गए हैं। अच्छा, मतलब इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि ये कब तक निकल जाएगी, कितना टाइम? लगभग मैं एक महीना लगभग लगेगा इसके अंदर, एक महीने में अंदर निकल जाएगी। यानी कि जनवरी स्टार्टिंग में आप इसकी हार्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दोगे। यानी कि आपका यही कहना है कि आपने बायो एनपीके यूज़ किया है तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, आपकी लहसुन अच्छी ग्रोथ कर रही है। आप वीडियो के माध्यम से दिखा दीजिए लहसुन की साइज, कंद भी अच्छा बनना स्टार्ट हो चुका है इसके अंदर, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी है, पौधा हरापन भी चल रहा है, कहीं पर भी कोई भी ये नहीं दिखाई दे रहा है। साथ में इसमें पौधे की साइज भी बड़ी हुई है और तना भी अच्छा मोटाई पर है, शाइनिंग भी अच्छी है। ठीक है, इसके साथ में जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तब हम आपको एक वीडियो और बना के आपको बताएंगे कि इसके हार्वेस्टिंग के बाद में इसमें पैदावार कितनी है, कैसे है, कंद कैसा बना, उसकी शाइनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें हम आपको एक बार और वीडियो में फीडबैक के तौर पर किसान के ही खेत पर विजिट करने के बाद बताएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए, किसान हेल्पलाइन से जुड़े रहिए, आगे आपको बताएंगे कैसे क्या रिजल्ट मिला किसानों को, और इन्होंने बाकी की फसल में भी इन्होंने बायो एनपीके यूज़ किया है तो उसमें भी इनको क्या रिजल्ट मिला वो भी आपको वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।